हेलो भाइयों, मैं हूं दीपक देवतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया बहुत बड़ी खबर। एयरफोर्स के 12 विमानों ने पीओके में घुसकर 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, सूत्रों के हिसाब से। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें भाइयों। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रात करीब 3:30 बजे एक साथ 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के बड़े ठिकानों पर हमला किया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि रात करीब 3:30 बजे एक साथ 12 मिराज लड़ाकू 2000 विमानों ने आतंकियों के बड़े ठिकानों पर हमला किया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वायुसेना के विमानों ने बीती रात नियंत्रण रेखा के पार जैसे के आतंकी कैंप पर करीब 1000 किलोग्राम के बम बरसाए। अभी तक की सूचना के मुताबिक 200 से 300 आतंकवादियों के मार जाने की सूचना है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पुलवामा का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने जैसे के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया है। वायुसेना ने 4 से 5 जैसे पे लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए हैं, जिसमें 200 से 300 आतंकियों के मार जाने की सूचना है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए मुजफ्फरबाद सेक्टर में घुसाए। पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। बता दिए जाएं कि जिस जगह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पड़ता है। तो भाइयों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया है। मोदी की इसमें फुल छूट थी कि सेना जो भी करेगी सेना कार्रवाई करेगी, उसी को लेते हुए सेना ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है और इसे देश के माहौल खुश है कि देश की जनता खुश है कि ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है, उरी के बाद में सबसे बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है। और भाइयों, इससे आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जो निर्णय निकल के आएंगे उसकी सारी जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े, नीचे सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर हम सब फटाफट हम चैनल से जुड़ जाएं। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, वीडियो में जय हिंद जय भारत।